हाय दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है निशात खान। मैं लाता हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छी सेकेंड हैंड फ्लाइश ब्रिक मशीन। इस बार जो मशीन आपके लिए लाया हूँ ये चार ब्रिक की फुली ऑटोमेटिक मशीन है, जो कि लक्ष्मी इंजीनियरिंग अपने अजमेर में जो कंपनी है जो बनाती है मशीनें उसकी मशीनें हैं। आप देखें ये मशीन है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये चार ब्रिक की फुली ऑटोमेटिक मशीन। ये इसकी रेलिंग जो साइड में रखा है वो उसका पावर पैक है, और पीछे आप देख सकते हैं पटिए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको मशीन की पूरी जानकारी देते हैं। ये देखें चार ब्रेक की फुली ऑटोमेटिक मशीन है, जिसमें 9-4-3 की डाई लगी हुई है। इसमें जो कंप्रेशन है मान के चले 80 टन का कंप्रेशन लगा हुआ है। पेन मिक्सचर ये कन्वेयर बेल्ट चालू करने के लिए यहाँ पे स्टार्टर दिया हुआ है। तो पेन मिक्सचर के लिए यहाँ पे अलग से स्टार्टर दे रखा। चलिए मिक्सचर से शुरुआत करते हैं मशीन की। 5.5 फिट का पेन मिक्सचर है, 5.5 से 6 फिट का इसका डाया है। ये दो रोले वाला मिक्सर है, मिक्सर अच्छा है, अभी मटेरियल लगा हुआ दिख रहा है आपको और मिक्सर का सड़ा गला नहीं है कहीं से भी, अच्छी कंडीशन का पेन मिक्सर है। इस पर 7.5 हॉर्स पावर की मोटर लगी है, वो भी क्रम्पटन की लगी है। कन्वेयर बेल्ट आपको दिखाते हैं, कन्वेयर बेल्ट का आप हॉपर देख सकते हैं, कहीं से भी सड़ा गला नहीं है। थोड़ा बहुत जंग वगैरह का जो नॉर्मली कंक्रीट का माल डलता है ऐसी परत दिखती है, कहीं भी छेद वगैरह नहीं दिखेगा आपको। इसका ओपनिंग पॉइंट देखें आप पेन मिक्सचर का, यहाँ ऊपर है कन्वेयर बेल्ट का, यहाँ पे मटेरियल पूरा जमा होता है। जब कन्वेयर चलता है तो यहाँ से पूरा माल मशीन में जाता है। यहाँ पे 2 HP की क्रम्पटन की मोटर लगी हुई है, दो रोले वाला कन्वेयर बेल्ट है। कन्वेयर बेल्ट की लंबाई तकरीबन 18 फिट है। कन्वेयर बेल्ट आप देखें कहीं से भी कटा पटा नहीं है, साफ़ सुथरा नई कंडीशन का कन्वेयर बेल्ट है। देखें आप इसकी मोटाई, आठ से दस mm मोटा कन्वेयर का पट्टा है। मैं आप देख सकते हैं मोटर गियर बॉक्स पुल्ली लगी हुई है, दो बेल्ट वाली पुल्ली कन्वेयर बेल्ट को चला रही हैं। मशीन के अंदर देखें आपकी ये पैलेट फीडिंग सिस्टम इन्होंने जो बना रखा है, ये पटिया धकेलने का सिस्टम, केसिंग ऊपर तक कर रखी है एक्स्ट्रा ताकि पटिया और ज़्यादा आ जाए। देखें पूरा ऑटोमेटिक कंट्रोल पैनल है जिसमें सारे बटन मौजूद हैं, पैलेट फॉरवर्ड रिवर्स, ट्रॉली फॉरवर्ड रिवर्स, पंच अप पंच डाउन, फीमेल डाई अप डाउन, ऑटो स्टार्ट मैनुअल। इसमें HMI भी है, HMI PLC अंदर लगी हुई है, बाहर इसलिए नहीं करी क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो लेबर होती है वो डिस्टर्ब कर देती है, HMI में फंक्शन होते हैं बटन दबाने से वो डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए उन्होंने बक्से के अंदर रख रखी हैं। पावर पैक है, पावर पैक पे आप देखें प्रेशर गेज दिया हुआ है, ये 4 स्टेशन वाला सेंसर कंट्रोल सोलेनोइड वाल लगे हुए हैं, 4 स्टेशन 1, 2, 3 एंड 4। एक पटिया धकेलने के लिए, एक फीमेल डाई को अप डाउन करने के लिए, एक मटेरियल को फीडिंग करने के लिए होता है, और एक मेन प्रेसिंग के लिए होता है। ये डायरेक्शन कंट्रोल सोलेनोइड वाल्व है। पटिया आप देख सकते हैं लगभग लगभग 700 पटिया हैं इसमें लकड़ी के। ऑयल मशीन में भरा हुआ है। मशीन के अंदर जो मोटर आप देख रहे हैं ये क्रम्पटन की मोटर है, क्रम्पटन की ब्रांडेड मोटर 7.5 हॉर्स पावर की है। 7.5 हॉर्स पावर आपका पेन मिक्सचर पे है, 7.5 हॉर्स पावर आपका
हाइड्रोलिक पावर पैक के ऊपर है और 2 HP आपका कन्वेयर बेल्ट के ऊपर है। टोटल आपका 17 हॉर्स पावर में आपका पूरा काम हो जाएगा। हॉपर भी यहाँ पे एक्स्ट्रा जॉइंट दे रखा है ताकि माल ज़्यादा स्टॉक आ जाए इसके अंदर हॉपर में। ये मशीन की रेलिंग है, आगे की रेलिंग है मशीन की। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी आपकी क्वेश्चंस हो कमेंट में आप भेज सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई देता हूं। आप कई बार ऐसा होता है कि कहीं हम बिज़ी होते हैं, कहीं मशीन देखने जा रहे होते हैं, कहीं ड्राइविंग कर रहे होते हैं, आपका फ़ोन नहीं उठा पाते। जो भी रिक्वायरमेंट है आप व्हाट्सअप पर शेयर करें। कई बार ऐसा होता है कि लोग छोटी मशीन मांगते हैं, छोटी मशीन अवेलेबल नहीं होती है, तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप व्हाट्सअप पे डाल दें। बड़ी मशीन है, छोटी मशीन है, 4 ब्रिक की 2 ब्रिक की, सबसे पहले अपना नाम लिखें, नाम के नीचे आपका एड्रेस लिखें, एड्रेस के बाद आपका जो है अपने जो भी रिक्वायरमेंट है, 4 ब्रिक की, सर आई वांट टू परचेस 4 ब्रिक मशीन, ऐसा करके कुछ भी आप लिख दें, 4 ब्रिक्स 8 ब्रिक्स 10 ब्रिक्स, जिसको भी मशीन लेना है आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है, क्या है, कितना कॉम्पेक्शन की मशीन है, कन्वेयर बेल्ट कितना बड़ा है, पेन मिक्सर कितने कैपेसिटी का है, कितने फिट का पेन मिक्सर है, कहाँ पे कितने हॉर्स पावर की मोटर है, लगभग मैंने सारी चीज़ें तो आपको बताई दी हैं। और फिर भी आपके अंदर कोई क्वेश्चन हो, कोई भी जैसे XYZ आप मुझसे पूछ सकते हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो मुझे बनाने की बताता नहीं हूँ, कई बार बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है, मतलब आपको समझाने में जहाँ तक मैं चाहता हूँ छोटे छोटा वीडियो आपको मतलब अच्छी से अच्छी बात ज़्यादा से ज़्यादा बातें उसमें समझा सकूँ, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से हमारे वीडियो देखते रहें, उससे हमारे को मतलब मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए आपके लिए। या आप तारीख देख लिया करें वीडियो कब का बना हुआ है, और कई बार क्या होता है आप ज़्यादा पुराने वीडियो को बोलते हैं सर ये मशीन मुझे दिलवा दीजिए, तो क्या होता है मशीन बिक चुकी होती है, ठीक है। तो आप अगर मतलब चाहते हैं मशीन ख़रीदना तो मतलब आज तारीख देख लें कौन से दिन का वीडियो डला हुआ है, मतलब महीने भर के अंदर अंदर आप कॉल करेंगे तो कोशिश रहेगी कि आपको मशीन मिल जाएगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।